के साथ आने की अटकलें तेज हो गई हैं। कैबिनेट मंत्री निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी इसको लेकर सक्रिय हो गए हैं और राजभर के आने से संजय निषाद की जमीन खिसक सकती है। अपनी जाति की नाराजगी को अपनी मजबूती बनाने में जुटे हुए हैं। 28 जून से आरक्षण के लिए अभियान चलाएंगे संजय निषाद और सभी विधानसभाओं में मछुआ आरक्षण पर राय मांगी जाएगी। 17 उपजातियों के लिए संजय निषाद का महासंपर्क अभियान, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ और अयोध्या मंडल में अभियान रिपोर्ट बीजेपी को दिखाकर आरक्षण पर मांगेंगे सहयोग। और इसी खबर पर संदीप फिर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी अपडेट के साथ। संदीप, क्या अपडेट सामने आ रही है? संजय निषाद जिस तरह से महासंपर्क अभियान चलाने वाले हैं और ओपी राजभर को लेकर भी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी एक फील हो रही है, क्या उनको? देखिए बिल्कुल शांतनु, कहते हैं कि राजनीति में हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं। जिस तरीके से देखिए ओम प्रकाश राजभर की भारतीय जनता पार्टी में आने की अटकलें जो है वो तेज हो चुकी हैं और देखिए ये लगातार देखा गया था कि इसके बाद जो कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद वो असहज दिखाई दिए थे। कई बार जब उनसे पूछा जाता था तो हमेशा वो कहते थे कि राजभर सुबह यहाँ रहते हैं, शाम को वहां रहते हैं। इस समय वो जीरो हो चुके हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो वो हीरो थे। देखिए सभी को पता है कि पूर्वांचल में जो एक राजभर का जनाधार है वो किसी से छुपा नहीं है। जब वो भारतीय जनता पार्टी में रहे थे तो कई सीटें उन्होंने वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पाले में की थी। अब देखिए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को अपने कह सकते हैं कि जो एक मछुआरा समाज है जिनके मुद्दों को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, यानी 17 उपजातियों को लेकर अब वो एक अपना सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं। और इस सम्मेलन को अयोध्या की बात करी जाए, गोरखपुर की बात करी जाए, जहां पर भी कह सकते हैं कि इन जातियों का प्रभाव है वहां पर उसको ये पूरा एक अभियान चलाया जाएगा। यानी जहां बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है उसी में एक ये संपर्क अभियान भी संजय निषाद शुरू करने जा रहे हैं। ये पूरी एक रिपोर्ट बनाकर कि जो मछुआरा समाज है या फिर जो अन्य जातियां हैं उनकी क्या नाराजगी है, उनकी क्या इच्छाएं हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, उसको भारतीय जनता पार्टी को सौंपेंगे। यानी ये देखा जा रहा है कि संजय निषाद जो है वो एक अपनी शक्ति का जो प्रशिक्षण है वो भारतीय जनता पार्टी को दिखाना चाहते हैं कि कितने लोग हमारे साथ में हैं। क्योंकि ये भी देखिए राजनीति गलियारों में चर्चा चल रही थी कि अगर ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो संजय निषाद के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं या फिर उनकी जमीन खिसक सकती है। और देखिए ये सभी को पता है, वो चाहे राजनीतिक फील्ड की बात करी जाए या एक आम तौर पर बात करी जाए, जब भी कोई कॉम्पिटिटर सामने आता है तो सामने जो एक उसका एक प्रतिद्वंदी होता है उसकी बेचैनी बढ़ती है। और मुझे लगता है कि एक लंबा समय हो गया है कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को अपने पद पर बने हुए, इस तरीके का कोई सम्मेलन नहीं शुरू किया गया। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले एकाएक अपने समाज की याद आना, अपने समाज के बारे में लोगों को मुद्दे को उठाना, लोगों के बीच में रखना और खुद कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी में मंत्री होने के बावजूद, सरकार में होने के बावजूद अभी तक अपने मछुआरा समुदाय की उन तमाम जो भ्रांतियां हैं, जो तमाम वो चाहे जातियों में शामिल करने को लेकर हो, जिन मुद्दे को इन्होंने पहले उठाया था जब ये मंत्री नहीं बने थे। गृह मंत्री अमित शाह से भी इनकी दिल्ली में मुलाकात हुई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात होती है, इन्होंने बहुत बड़ा सम्मेलन भी किया था। यानी अभी तक अगर अपने मुद्दों को लेकर ये अपनी सरकार से उसका हक नहीं दिलवा पा रहे हैं तो इसके पीछे क्या मंशा है ये संजय निषाद ही समझ सकते हैं। लेकिन संजय निषाद अब अपने आप को सक्रिय इसलिए भी दिखाना चाहते हैं क्योंकि संजय निषाद कहीं ना कहीं से बेचैन होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर ओम प्रकाश राजभर की एंट्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी में हो जाती है तो ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से हमको साइडलाइन कर दे। तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि निषाद जातियों का भी पूर्वांचल में या फिर बात करी जाए गोरखपुर है, आजमगढ़ है, तमाम जगहों पर कितना प्रभाव है कि अगर ओम प्रकाश राजभर भी आते हैं तो संजय निषाद को भी कैबिनेट मंत्री के पद पर या फिर कहीं ना कहीं पर सेट किया जाए। ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी उनको साइडलाइन कर दे। इसको लेकर वो एक अपना अभियान शुरू कर रहे हैं। अभियान के जरिए तमाम मुद्दे उठाएंगे अपनी जातियों की लेकर, उनके मुद्दों को लेकर, मछुआरों को लेकर। तो ऐसे मुद्दों से देखना ये दिलचस्प होगा शांतनु की किस तरीके से संजय निषाद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर पाते और इस रिपोर्ट में कितनी मजबूती है। संदीप, आप जुड़ रही है हमारे साथ, वापस आएंगे आपके पास। और अगली खबर का रुख करते हैं लखनऊ से खबर। लोकसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी का नया दांव, पहले प्रत्याशी